हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो नए वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचे, तो नोटिफिकेशन उसमें एक आए कि वीडियो अपलोड हुआ है और आप उसे देख सकें। तो आज हम बताने वाले हैं कि कोण क्या होते हैं। इस पर हम पहले ये इसकी परिभाषा देखें, कोण होता क्या है। तो कोण जो है दो रेखाओं में परस्पर जो हटाव होता है उसको कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी ये है, तो इसमें ये हटाव आ रहा है। जैसे जैसे आगे ये बढ़ रही है ये हटाव आता जाता है, तो हम इस हटाव को ही कोण कह देते हैं। यहां पर ये देखें, एक दो तीन चार आकृतियां दी हैं। जैसे जैसे ये लाइन दोनों रेखाएं इधर बढ़ेंगी ये हटाव आता जाता है, तो इसके शीर्ष पर यहां से देखते हैं ये कितना हटाव हो रहा है, ये इसका कोण है। अब इसमें दो नंबर की आकृति और एक नंबर में देखें कि दो नंबर वाली का हटाव ज्यादा है, तीन नंबर वाली का एक और दो से ज्यादा है, तो ये कोण बड़ा हो गया इससे। और ये देखें तो इन तीनों से ज्यादा इसमें हो रहा है, तो इसका ही कोण सबसे बड़ा है। तो कोण के लिए मुख्य रूप से तीन पॉइंट होते हैं। उसमें एक शीर्ष होता है जहां पर कोण बनता है। जैसे ये यहां पर शीर्ष है, इसका ये शीर्ष है, इसका ये शीर्ष है, इसका ये शीर्ष है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट होते हैं, अतः इनको एक एक अक्षर से नाम दिया जाता है। जैसे कोण का नामकरण हम देखें तो इसमें जो बी है एक शीर्ष है, इसका पॉइंट है, ये कोण का शीर्ष है, और दो पॉइंट ए और सी ये है। तो इस कोण का नाम हम नामकरण कैसे करें, तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं नामकरण के। पहला, तीन अक्षरों से नाम इस तरीके से शीर्ष बीच में आए, तो यहां से पहला तरीका है ए बी सी, इस कोण का नाम है ए बी सी। जो शीर्ष होता है कोण का वो बीच में आना चाहिए। दूसरा, इसी से उल्टा तरीका हो सकता है कि इधर की जगह हम इधर से काउंट करना शुरू करें, सी बी ए, इस कोण का नाम पहला कोण है, पहला नाम है कोण ए बी और सी, दूसरा इसी का नाम है कोण सी बी ए, कोण सी और बी और ए, और तीसरा नाम केवल शीर्ष हम ले लें जहां कोण बनता है, ये भी इसका नाम हो सकता है। लेकिन ये दो नाम बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शीर्ष पर एक से अधिक कोण बनते हैं, तो शीर्ष वाला नाम हम उसे नहीं दे सकते। जैसे आकृति दो, इसमें देखें ये एक कोण ये बढ़ रहा है, एक कोण ये बढ़ रहा है, यानी कोण ए बी सी और ए बी डी दो कोण बढ़ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। तो तीन अक्षरों वालों से तो हम विभेद कर सकते हैं इसमें कौन कौन सा कोण है। तो इस कोण को अगर चाहेंगे तो उसका नाम तीन अक्षरों वाले से लेंगे, कोण ए बी सी या कोण सी डी ई, तो ये कोण हो जाएगा। और अगर हम शीर्ष वाला नाम देना चाहें बी, तो हम अगर हमने कोण बी दे दिया तो इसमें ये कोण या ये कोण ये पता नहीं चलता, इसलिए तीन अक्षरों वाला नाम हम दें तो उपयुक्त नाम रहता है, आसानी से विभेद हो जाता है। तो अगर इसे लेते हैं तो कोण ए बी सी या सी बी ए, और इस कोण को लेना चाहते हैं तो कोण ए बी सी या ए बी डी या डी बी ए, ऐसे ही इसको ले सकते हैं कोण, ये दोनों एक ही नाम हो गए, या कोई और नाम ले सकते हैं बी ले लें, तो ए बी सी, तो ये कोण हो गया। और ये अगर देखें तो हमने देखा कि यहां से ये दरअसल ये बृहत कोण है,
इसलिए इन सबको तुमने लिख दिया कोण ए बी सी, न्यून कोण यानी सरल कोण तक चलेगा। लेकिन ये जब कोण है तो हमें ये बताना पड़ेगा कोण ए बी सी कहीं ये कोण तो नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसे बृहत कोण लिख देंगे। बृहत कोण लिखते ही ये ऑटोमेटिक यहां से ऐसे बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बृहत कोण अगर ऊपर वाला कोण लेना चाहते हैं ये वाला, तो हम इसे लिखेंगे बृहत कोण, बृहत कोण ए बी सी, ए बी सी। और केवल ए बी सी रखेंगे तो अक्सर ये कोण देखते हैं, कोण ए बी सी कहेंगे तो ये मान लेते हैं कोण अधिकतर। इसलिए अगर बृहत कोण का नाम आए तो बताइए कौन सा बृहत कोण चाहेंगे, कौन सा कोण है। अगला, इसमें हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो दो रेखाओं द्वारा बनते हैं और इसमें जो शीर्ष होता है कोण का वो कॉमन होता है। जैसे ये क्यू शीर्ष है तो इस साइड का ये एंगल इन्हीं दो रेखाओं से देखें बन रहा है कोण आर क्यू पी या पी क्यू आर। दूसरा इसका वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो इसी शीर्ष पर होगा लेकिन इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा, ठीक विपरीत। ये इधर बन रहा है तो उल्टी तरफ इधर आएगा, यानी कोण ये वाला जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण का, कोण पी क्यू आर का शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण टी क्यू एस या एस क्यू टी। इसी तरीके से अगर इसका हम देखें कोण आर क्यू एस का शीर्षाभिमुख तो क्या होगा, ये वाला होगा कोण टी क्यू पी। तो शीर्षाभिमुख का मतलब होता है अपोजिट साइड में होगा और एक शीर्ष उसका कॉमन होगा और दो ही रेखाओं से बनेगा। जैसे इधर का कोण देखें तो इस क्षेत्र में बन रहा है यानी इस रेखा के इधर और इसके इधर, तो दूसरा जो कोण बनेगा इसके इधर बनेगा यानी इस साइड में और इसके इधर के इधर बनेगा यानी इस साइड। निश्चित रूप से ये होगा, ये पहचान है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स या आसन कोण या संलग्न कोण। एक ही शीर्ष पर बने जो कोण बने होते हैं भिन्न भिन्न रेखाओं के द्वारा तो उन्हें हम आसन कोण कहते हैं। इसे एक शीर्ष ओ है, इस पर एक कोण तो ये बना हुआ है इस रेखा द्वारा और इसके द्वारा, दूसरा इसके और इसके द्वारा एक कोण बनता है जो ये है। तो ये कोण है हमारे आसन कोण यानी कोण एल ओ एम और कोण एल ओ एन, ये आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। संगत कोण एवं एकांतर कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, इनमें कुछ संगत होते हैं कुछ एकांतर होते हैं। ये वास्तव में दो कोणों की प्रॉपर्टी है, दो कोणों के लिए होते हैं शब्द यूज ये संगत कोण एकांतर कोण। जैसे ये कोण है इसका संगत कोण कौन सा है, तो एक जो समांतर रेखा है उसमें तिर्यक रेखा द्वारा एक कोण जिस रेखा पर बनता है उसी साइड में दूसरी रेखा पर जो कोण बनता है उसका संगत कोण होता है। जैसे इसका संगत कोण ये है, एक ही साइड में हुआ तिर्यक रेखा ये है, दो समांतर रेखाएं ये है, तो इसके इस तरफ जो बनता है इस लाइन के ऊपर तो दूसरी लाइन के ऊपर इसी तरफ जो कोण बनेगा ये वो इसका संगत कोण होगा। ऐसे ही इसका संगत कोण हम देखें तो ये होगा, क्यों, क्योंकि त्रियक लाइन के त्रियक रेखा के इधर बना हुआ है कोण और इसके ऊपर है इस साइड में, तो दूसरा भी संगत कोण
इस रेखा के इधर होगा और इसके ऊपर होगा, ये होगा, मतलब इसका संगत ये और इसका संगत ये तो हुए संगत कोण। दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, मतलब एक रेखा के इधर बनता है त्रिक रेखा के और दूसरा त्रिक रेखा के इधर बनता है, तो ये तो इधर बन रहा है तो दूसरा त्रिक रेखा के दूसरी साइड में बनेगा और दूसरी समांतर रेखा के पर बनेगा, तो ये इसका एकांतर कोण जो होगा वो ये होगा, क्यों ये इधर है और ये इधर है, ये पहली समांतर रेखा के ऊपर है और ये इसके नीचे है, जस्ट उल्टे होंगे, इसकी दूसरी साइड होगा इसके ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा। इसी तरीके से हम देखें कि ये भी एकांतर कोण है लेकिन इन दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे हैं इसलिए इन्हें अंतः एकांतर कोण भी कहते हैं। अब संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, जैसे ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर होगा, इसी तरीके से एकांतर कोणों में आए ये कोण और ये बराबर होगा, भले ही अंतः एकांतर हो लेकिन कोण बराबर होंगे। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कोणों के वो इसमें हमने बताए आपको। इसके अलावा हम ये बताएंगे कि कोण माप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। माप के आधार पर कोण देखें, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल कहते हैं इसे। दूसरा समकोण 90 डिग्री का होता है और ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा उसे समकोण या राइट एंगल कहेंगे। अधिक कोण 90 और 180 के बीच में होता है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और सरल कोण 180 डिग्री का होता है, इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बृहद कोण 180 और 360 के बीच में होता है, हमने इसे बीच में लिखा भी है, ये 180 और 360 के मध्य में होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इसे। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कोण के बारे में ये समझाया, उम्मीद है ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप इससे संबंधित सुझाव दें, जिससे मैं जब आगामी वीडियो बनाऊं तो उसमें वो सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।